अस्सलाम रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बड़ा मज़े का यम्मी टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ चीज़ी बर्गर। बहुत स्पाइसी है और बहुत यम्मी है, बहुत आसान तरीके से बनाया है। और चलते हैं और बनाते हैं कि मैं आज किस तरह बना रही हूँ चीज़ी बर्गर। लेट्स गो, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ऑयल लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, बोनलेस चिकन लिया है 1/2 kg, उसको छोटे छोटे पीसेस करके इसको आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब इसकी ज़रा थोड़े से शक्ल वाइट कलर की आ जाएगी और जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। तो पहले हमने 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करना है और फिर 3 टेबल स्पून हमने ऐड करना है चिली सॉस। 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून हमने चिली सॉस ऐड कर देना है। इसको आपने कवर कर देना है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद स्पाइसेस ऐड करनी है। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून दजड़ी हुई रेड मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया। स्पाइसेस बहुत कम ऐड किए हैं। इसको मिक्स करें और फिर कवर कर दें 10 मिनट्स के लिए। और जब ये चिकन ऑयल छोड़ देगा तो तकरीबन हमारा जो है मिक्सचर वो रेडी हो जाएगा। मिक्सचर बिल्कुल रेडी है स्पाइसी सा। और बर्गर लिए हैं मैंने 4 अदद, तो जी उसके ऊपर क्या करेंगे हम, उसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस, यम्मी सा पिज़्ज़ा सॉस। दोनों साइड्स पे लगाएंगे, बर्गर के इस साइड पे भी और दूसरी साइड्स पे भी, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। तो इसको अच्छी तरह आप लगा दें चारों बर्गर में। इसको चिकन के साथ फिल कर दें, शिमला मिर्च के साथ फिल कर दें, अगर मशरूम है मशरूम डाल दें, जो जो चीज़ें आपके पास हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। लास्ट में मैं करूँगी चीज़। चीज़ के मैंने पीसेस कर लिए थे और ज़्यादा मकदार में चीज़ रखूँगी ताकि इसका जो जायका है बिल्कुल पिज़्ज़े जैसा आए। चीज़ आपने ऊपर इसकी लेयर लगानी है ताकि ये नीचे आते आते चिकन को अच्छे तरीके से कवर कर लें। इसको आप कवर कर दो और इसको हम बेक कर लेंगे। बेक क्या करना है जी, बेक हमने करना है इसको 15 मिनट 180 सेंटीग्रेड पे करना है। बेक करना है बेक कर लें, अगर बेकर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप इसको किसी बड़े से देचके में रख के इसी ट्रे को आप उसके ऊपर ढक्कन दे के भी इसको बेक कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। तकरीबन हमारा चीज़ी बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुका है जस्ट 15 मिनट में। कोशिश किया करें आप तमाम मिक्सचर चीज़ें घर में रेडी रखा करें ताकि जब दिल किया जल्दी से चीज़ी बर्गर बनाया और खा लिया। अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको रेसिपी किस तरह की लगी। थैंक यू।